हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट वर्ड के इस नए सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है फ्लेक्ट या फिर फ्लेक्स। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बेंड, कुछ मुड़ने से इसका रिलेशन होगा। तो इनफ्लेक्ट, इनफ्लेक्ट का मतलब होता है टर्न, मुड़ना। इनफ्लक्स, इसका मतलब होता है इनवर्ड फ्लो। फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, इसका मीनिंग एडेप्टेबल होता है, जो कहीं पे जाके ढल जाए। फ्लेक्सिकोग्राफी, प्रिंटिंग यूजिंग फ्लेक्सिबल प्लेट्स, फ्लेक्सिबल प्लेट्स का यूज करके प्रिंट करना। अभी भी जो कार्ड्स प्रिंट होती हैं वह शायद ऐसे ही होती है। गुना फ्लेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे बुद्धिस्ट लोग कैसे अपने कमर को बेंड करके ऐसे मुड़ते हैं ताकि वो रिस्पेक्ट दे सकें, तो उसी को गुना फ्लेक्ट बोला जाता है। बेंड इन अ गेस्चर फॉर ऑफ रिस्पेक्ट। फ्रैक्ट या फिर फ्रैग, इसका मतलब ब्रेक से रिलेटेड है, कुछ टूटने से रिलेटेड है। जैसे फ्रैक्चर यानी कि कुछ टूटना, ब्रेक करना, जैसे बोन फ्रैक्चर होता है। फ्रजाइल, फ्रजाइल यानी कि समझ लीजिए शीशा टाइप का, जो कि इजीली ब्रोकन, मतलब जल्दी टूट जाए। फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब होता है ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। इन फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या होता है, फेलियर टू ओबे लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, किसी लॉ और या कॉन्ट्रैक्ट को ओबे नहीं कर पाना। नेक्स्ट रूट वर्ड है ट्रैक्ट या फिर टैंग। इसका रिलेशन है टच से। तो इंटैक्ट, इसका क्या होता है, समथिंग विच इज़ अनटच्ड, टेंजिबल, रियल एंड कैन बी टच्ड। इनटेंजिबल, इसको टच नहीं किया जा सकता है। टेक्टाइल, टेक्टाइल का मीनिंग क्या होता है, ऑफ टच। क्रेड, CRED, इसका मीनिंग ये जब भी वर्ड आएगा तो ये बिलीव से रिलेटेड रहेगा। तो क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, बिलीवेबल, इस पर भी विश्वास किया जा सके। इनक्रेड्यूलस, इसका मतलब क्या होता है, स्पेक्टिकल यानी कि जिस पे थोड़ा संदेह हो। इनक्रेडिबल, इसका मतलब क्या होता है, जिसको जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, हार्ड टू बिलीव। क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रूफ टू एबिलिटी और ट्रस्ट वर्दिनेस, अ सर्टिफिकेट यानी कि वो विश्वास के लायक है, उसका एक प्रूफ है, वही क्रीडेंशियल कहलाता है। क्रेडुलियस, या इसका मीनिंग क्या होता है, रेडी टू बिलीव। सेंस, सेंट, इसका मीनिंग फीलिंग से रिलेटेड है। तो सेंसिबल, रीजनेबल, सेंटीमेंट, इमोशन। सेंसरी, सेंसरी का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू सेंसेशन और सेंस। और कॉन्ग या फिर साइंस, इसका रिलेशन नॉलेज, एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ नॉलेज से या फिर कुछ समझने से रिलेटेड है। तो रिकॉग्नाइज मतलब अंडरस्टैंड, साइंस, फैक्चुअल नॉलेज, अनकॉन्सिएबल, मोरली अनएक्सेप्टेबल। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, एबल टू अंडरस्टैंड, अनकॉन्शियस, एक्सपीरियंस लॉस ऑफ सेंस। वोर, वोर इज रिलेटेड टू इट। तो कार्निवोर, फ्लेसिटर, हर्बीवोर, प्लांट ईटर, फ्रगीवोर, फ्रगीवोरस, फ्रूट ईटर, ओमनीवोर, जो सब कुछ खाता हो उसे ओमनीवोर बोलेंगे। नेक्टेरीवोर, इसका मतलब क्या होता है, जो शुगर रिच फ्रूट्स, जो नेक्टर खाता है उसे, जिसमें मीठा ज़्यादा होता है उसको हम लोग नेक्टेरीवोर बोलते हैं। इंसेक्टिवोर, जो इंसेक्ट्स खाता हो। जर्मीवोर, ग्रास ईटर, ग्रेनीवोर, ग्रेन ईटर। क्वाशी, क्वाशी का मतलब होता है समथिंग विच इज़ हाफ, मतलब या तो सिमिलर टू है या फिर उसी के जैसा है, हल्का फुल्का, उसी को क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी, क्वाशी बोला जाता है। जैसे क्वाशी जुडिशियल, क्वाशी जुडिशियल मतलब इसको अर्धन्यायिक बोला जाता है हिंदी में। क्वासी डिक्टेटर, हल्का डिक्टेटर के जैसा हो, उसी को क्वासी डिक्टेटर बोला जाता है। क्वासी साइंटिफिक, ऐसा कोई साइंटिफिक चीज़ है जिसको हम लोग सपोज तो करते हैं साइंटिफिक, बट लेकिन वो उस पर कुछ फैक्चुअल बेसिस नहीं होती है उसका। क्वासी पीरियोडिक, जो जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग क्वासी पीरियोडिक पीरियोडिक बोलते हैं। अल्टर, अल्टर का मीनिंग अदर से रिलेटेड है। तो अल्ट्रुइज्म, इसका मतलब क्या होता है, द फिलोसफी प्रैक्टिस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट। अल्टरनेट, स्किप एंड स्किप वन
अंडरटेक द अदर, इसे अल्टरनेट डेज बोला जाता है। तो आज अगर मंडे है तो कल छोड़ के फिर ट्यूसडे को छोड़ के फिर वेनसडे, ये हो गया अल्टरनेट। अल्टरनेटिव अदर ऑप्शन, अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब चेंज होता है। अल्टर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है, वेरी अ वर्बल डिस्प्यूट। अल्टर ईगो अदर सेल्फ। अल्ट्रूइस्ट, इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। मैनिया, मैनिया कुछ भी चीज़ का कंपल्सन हो जाए तो उसको मैनिया बोला जाता है। जैसे फिलो पेट्रिडो मैनिया, जब होम सिकनेस हो जाए किसी को, एक्सट्रीम होम सिकनेस हो जाए तो उसको फिलो पेट्रिडो मैनिया बोलते हैं। माइथोमैनिया, जिसको झूठ बोलने का कंपल्सन हो जाए, वो हर चीज़ में झूठ बोलता है तो उसको माइथोमैनिया बोला जाता है। ओइनिनो मैनिया, इसका मतलब जिसको वाइन का कंपल्सन हो जाए, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में वाइन पीता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओइनो मैनिया। गैमो मैनिया, जिसको कंपल्सन हो जाए मैरिज का, उसको गैमो मैनिया बोलेंगे। क्लैप्टो मैनिया, जिसको चोरी करने का कंपल्सन हो जाए, आदत हो जाए, उसको हम लोग क्लैप्टो मैनिया बोलते हैं। मेगैलो मैनिया, ये सेल्फ ग्रेटनेस से रिलेटेड है। गाइनेकोमैनिया, वुमेन का जिसको कंपल्सन हो जाए उसको गाइनेकोमैनिया बोलते हैं। जू मैनिया, एनिमल्स के कंपल्सन को जू मैनिया बोलते हैं। जेनोमैनिया, फॉरनर्स के कंपल्सन को जैनोमैनिया। फैगोमैनिया, खाने के कंपल्सन को फैगोमैनिया बोलते हैं। पायरोमैनिया, फायर से रिलेटेड कंपल्सन को पायरोमैनिया बोलते हैं। प्लूटोमैनिया, वेल्थ से रिलेटेड कंपल्सन को प्लूटोमैनिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया फियर से रिलेटेड होता है। थर्मोफोबिया, हीट से जो फियर होता है उसको हम लोग थर्मोफोबिया बोलते हैं। पेडोफोबिया, चिल्ड्रन से जो डर लगता है किसी किसी को, उसको हम लोग पेडोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया, हाइट से जो डर लगता है उसको हम लोग एक्रोफोबिया बोलते हैं। क्रोनोफोबिया, टाइम से डर को क्रोनोफोबिया बोलते हैं। निक्टोफोबिया, रात के डर को हम लोग निक्टोफोबिया बोलते हैं। थियोफोबिया, भगवान से डरने को हम लोग थियोफोबिया। एक्रिबोट्राइफोबिया, इसको पीनट बटर से जो डर होती है उसको हम लोग एक्रिबोट्राइफोबिया बोलते हैं। डेमोफोबिया, लोगों से डरने को हम लोग डेमोफोबिया बोलते हैं। इंटैमोफोबिया, इंसेक्ट्स के डर को हम लोग इंटैमोफोबिया बोलते हैं। एग्रोफोबिया, वर्क्स से जो आदमी अपने काम से डरता हो उसे हम लोग एग्रोफोबिया बोलते हैं। जेरेंटोफोबिया, जेरेंटो मतलब होता है ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोगों से डरता हो उसे हम लोग जेरेंटोफोबिया बोलते हैं। नेक्रोफोबिया, नेक्र मतलब होता है डेड बॉडी, तो जो डेड बॉडी से डरता हो तो उसको नेक्रोफोबिया बोला जाता है। हेमाटोफोबिया, ब्लड से डरने को हेमाटोफोबिया बोला जाता है। एक्रोनोफोबिया, स्पाइडर के डर को हम लोग एक्रोनोफोबिया बोलते हैं। ट्रिस्काइडिका फोबिया, फियर ऑफ 13 को हम लोग ट्राइस्काइडिका फोबिया बोलते हैं। डाई, डाई का मीनिंग अक्रॉस से रिलेटेड है, तो डायगोनल, कनेक्टिंग लाइंस। डिस्पोरा, एक कंट्री का जो आदमी है वो किसी और कंट्री में जाके रह रहा है, तो उसी को, जैसे इंडिया का पर्सन कहीं और जाके रह रहा है चाइना में, तो उसको इंडियन डिस्पोरा बोलेंगे चाइना में। डायलेक्ट, जो जो डिबेट करने का तरीका होता है उसी को डायलेक्ट बोला जाता है। डायलेक्टिक, डायलेक्ट जो लोकल वेराइटी होता है लैंग्वेज का उसको हम लोग डायलेक्ट बोलते हैं। डायमीटर, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द फिगर।